जी हाँ फ्रेंड्स, एशिया कप 2023 के फाइनल से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। टीम खिलाड़ी चोटिल होने से हुआ अब बाहर। जी हाँ फ्रेंड्स, लंबे टाइम के लिए बाहर हो गया ये खिलाड़ी। कौन है खिलाड़ी, किस तरह से चोट लगी है, देखने वाले इस वीडियो के थ्रू। तो इसे वीडियो के लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सलामी बल्लेबाज भारत के 2023-24 के घरेलू सीजन का एक बड़ा हिस्सा चूक जाएंगे, जो अक्टूबर को राजकोट में ईरानी कप के साथ शुरू होने वाला है। और इसमें अडरम के खिलाफ खेलते समय उनको चोट लगी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, लंबी बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी प्रतिशा घुटने की चोट से जूझने के कारण लंबे समय के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर हो गए हैं। प्रतिशा को डरम के खिलाफ एक दिवसीय चैंपियनशिप में नॉर्थ पंटसनशायर के खिलाफ खेलते समय चोट लगी थी। ESPN क्रिकेट इन्फो की खबर के मुताबिक प्रति को चोट से उबरने के लिए 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह निश्चित रूप से भारत के लिए 2023-24 घरेलू सीजन का एक बड़ा हिस्सा रहते हुए चूक जाएंगे, जो 1 अक्टूबर से राजकोट में ईरानी कप के साथ शुरू होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बताया कि पृथ्वी शॉ 3-4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। इस दौरान वे रिहैब से में रहेंगे। BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि पृथ्वी की चोटिल होने के बाद MRI की गई, पता चला कि उन्हें लिंगामेंट में इंजरी है। फिलहाल मेडिकल टीम शॉ को इलाज के लिए संभावित विकल्पों का विचार कर रही है और सर्जरी आखिरी विकल्प होने की संभावना है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने ESPN क्रिकेट को बताया कि 16 अक्टूबर से शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू होने वाली सीमित ओवरों की प्रतियोगिता में भी नहीं खेलने वाला है। चोट के चलते बड़ा झटका लगा, क्योंकि वे काफ़ी समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। वे 4 पारियों में 429 रन के साथ एक दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने थे। जी हाँ फ्रेंड्स, गौरतलब है पृथ्वी शॉ ने इसे मुकाबले में खेले गए नाबाद 125 रन भी बनाए और उसी में चोटिल हो गए थे, जो 244 रनों की शानदार पारी खेली थी। इससे पहले भी जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे थे और अब उनको 3 से 4 महीने बाहर होने लग जाएंगे रिकवर में होने में। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।